সরাসরি নজর রাখবো পেট্রাপোল সীমান্তে কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অন্ত তক সবি লোক হাত উঠায় জরা মুঠি ভিঞ্চ কর প্রচন্ড আওয়াজ সে বলিয়ে ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বন্দে বন্দে। মঞ্চ পর উপস্থিত श्रीमान शांतनु ठाकुर जी, अरे जोर से ताली बजाओ शांतनु जी के लिए। मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और बंगाल के दिग्गज नेता हमारे गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, आदित्य मिश्रा जी, अध्यक्ष एलपीएआई श्री दर्जिल सिंह चौधरी जी, सीमा सुरक्षा बल के डीजीपी सुश्री पौसुमी बसु, संयुक्त सचिव भारत सरकार, और आज भारत के अंतिम बिंदु पर यहां पर आए हुए बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार शुभकामना। सबसे पहले आज बंगाल के महान सपूत और जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा बलिदान और योगदान दिया, ऐसे जतिन दास जी का जन्मदिन है। मैं मन से जतिन दास जी के प्रति पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार तीनों का उद्घाटन हुआ। देखने में तो ये बहुत छोटी चीज है, परंतु ये परिचायक है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर अपने दृष्टिकोण और अपनी दूरदर्शिता से प्राण फूंकते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जी बनने के बाद मोदी जी ने हर क्षेत्र में कई नई शुरुआत की, आरोग्य में की। इसके कारण हर एक व्यक्ति को 5 लाख तक का सबको फायदा मुफ्त मिल रहा है। बंगाल वालों को थोड़ी कसक है, मगर चिंता मत करिए, 26 के चुनाव के बाद भाजपा सरकार आते ही आप सभी को भी मिल रही। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लेकर आए, आंतरिक सुरक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा और खेल, हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने अनेक नई शुरुआतें की। न केवल शुरुआतें की, उसको लॉजिकल एंड तक, अंत तक पहुंचाकर सफलता में परिवर्तित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज भारतीय लैंड पोर्ट अथॉरिटी, एक देखने में शुष्क टाइप का डिपार्टमेंट, वो देश के विकास के अंदर हमारे पड़ोसियों के से संबंध को बेहतर बनाने के अंदर भाषा, संस्कृति और साहित्य के बेहतर आदान प्रदान के अंदर कितना बड़ा योगदान कर सकता है, इसका उदाहरण हमारे लैंड पोर्ट अथॉरिटी का ये 10 साल में जो विकास हुआ है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी मोदी जी के नेतृत्व में 4P के सूत्रों पर काम कर रही है, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्रोग्रेस। इससे एक क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के प्रॉस्पेरिटी के अंदर भी बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं यहां जब देख रहा था, 10,000 लोग तो आज ही आवाजाही कर सकते हैं,
और 10,000 लोगों की और सुविधा बनाकर रखी। तो मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5,000 से 6,000 लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से हो, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचा। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले, और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी, बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सब का आदान प्रदान बढ़ेगा और एक प्रकार से नया पार्टनरशिप का युग शुरू होगा। और प्रोग्रेस की दृष्टि से भी दोनों देशों के बीच में कई सारे इनिशिएटिव इससे संवाद से संपन्न हो सकते हैं। भाइयों बहनों, लैंड पोर्ट अथॉरिटी, इसका कंसेप्ट ही मोदी जी ने बदला। पहले इसको एक व्यापार का साधन मानते थे, अब समृद्धि और शांति का एक द्वार बनकर रहा है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से हमें जोड़ने का काम कर, हमारे वैध व्यापार को बढ़ावा देकर अवैध व्यापार को, स्मगलिंग को रोकने का काम कर रहा है, और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी निभा रहा है। आज यहां पर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन कर मैं आया हूं। मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, भाई आपने एयरपोर्ट को जमीन पर लैंड पोर्ट पर उतारने का काम किया है, एयरपोर्ट जैसी सुविधा है। लगभग 500 करोड़ के खर्च से 60,000 वर्ग मीटर में 25,000 यात्रियों को रोज हैंडल करने की क्षमता एक टर्मिनल बिल्डिंग की है, और मुझे पूरा भरोसा है इससे मेडिकल और एजुकेशनल टूरिज्म का बहुत बड़ा बढ़ावा होने वाला है। ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का ये इनिशिएटिव भारत की सीमाओं को सुरक्षित और विकास के लिए अनुकूल बनाएगा। हमने यहां पर आज एक मैत्री द्वार का उद्घाटन भी किया है। 2023 में मैंने ही इसका भूमि पूजन किया था, और करीब करीब 6 करोड़ की लागत से ये मैत्री द्वार को बनाया। मैंने आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारियों को सूचना भी दी है कि अगली बारिश में आपको यहां 25,000 पौधे जो 200 साल के आयुष्य वाले हो ऐसा लगाकर ये पूरे क्षेत्र की चिंता करनी है। भाइयों बहनों, निर्बाध आवाजाही के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिक्रिएशन, बूम बैरियर, चेहरे की पहचान के मशीन, एक्सेस कंट्रोल एंट्री और एग्जिट पॉइंट जैसी सुविधाएं भी इसके अंदर हैं। मैं आज मेरी सीमा पर रहने वाले सभी भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं कि पेट्रोपोल लैंड पोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, और ये सबसे व्यस्त पोर्ट भी है जो हमारे व्यापार और आवाजाही को बढ़ाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होता है भूमि मार्ग से, इसका 70% व्यापार अकेला
लैंड पोर्ट अथॉरिटी का पेट्रोपोल करता है। और शुरुआत में 16-17 में जब मोदी जी ने शुरुआत करी तब 18,000 करोड़ का व्यापार हुआ और 23-24 में 18,000 करोड़ से बढ़कर 64% की वृद्धि के साथ 30,500 करोड़ का व्यापार यहां से हुआ है। जब 30,000 करोड़ का व्यापार होता है तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस लगेगा, गोडाउन बनेंगे, माल को उतारना चढ़ाना पोर्टर अनेक प्रकार की रोजगारी की संभावनाएं यहां पर होती है। और 2023-24 में 23.5 लाख लगभग 24 लाख यात्रियों की आवाजाही यहां से हुई। पूर्वी भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर ट्रेड, बॉर्डर कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी अब धीरे धीरे मित्रता के रास्ते खोल रहा है। हमने सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ इसको विकास के साथ भी जोड़ने का काम किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कल्पना मोदी जी की है इसको लैंड पोर्ट अथॉरिटी आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, अथॉरिटी एक वन स्टॉप समाधान है जिसमें इमिग्रेशन, कस्टम और बॉर्डर सिक्योरिटी के सारे आयाम समाहित कर लिए गए हैं। और भारत ने 12 लैंड पोर्ट का विकास और संचालन किया है। पेट्रोपोल, अगरतला, श्रीमनपुर, सूतरकांडी, सबरूम और डॉकी ये बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ रक्सौल, जोगबनी, रुपैडीहा ये नेपाल के साथ, अटारी पाकिस्तान के साथ और मोरे में म्यांमार के साथ। और इसके अलावे नानक साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए महान सिख गुरु नानक देव जी महाराज की स्मरणांजलि देने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। और 23-24 में इस सभी लैंड पोर्ट के माध्यम से 71,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में 23 और लैंड पोर्ट बनने वाला है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी का संपूर्ण डिजिटल होना तय है और तकनीक के माध्यम से सुरक्षा और सुरक्षा में बढ़ोतरी और तकलीफ में कमी ये करने का हमारा एक प्रकार से पूरा प्लान बन चुका है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल के विकास के लिए कटिबद्ध। आज मैं यहां आया हूं तब इंडी अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई ये ममता दीदी इंडी अलायंस की सदस्य रही, मंत्री भी रही, आपके मंत्री भी वहां रहे, 10 साल में बंगाल के लिए आपने क्या दिया? वो जवाब नहीं देती, मगर मैं जवाब लेकर आया हूं बंगाल वालों। यूपीए की सरकार में बंगाल में केवल और केवल 2,09,000 करोड़ रुपया दिया, केवल 2,09,000, 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 10 साल में 2,09,000 करोड़ के बनाम 7,74,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी। मगर मोदी जी जो पैसा भेजते हैं ये करप्शन की बलि चढ़ जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप चिंता मत करिए, आपके अच्छे दिन अब दूर नहीं है। 2026 विधानसभा की गणना के साथ ही यहां पर अच्छे दिन भी शुरू होने वाले हैं, ये आप मान कर चलिए। भाइयों बहनों, ममता जी हमेशा कहती है
कि हमें अन्याय हो रहा है। नरेगा का, ममता जी, नरेगा में यूपीए के समय में 15,000 करोड़ रुपया दिया। यूपीए में आप सरकार में शामिल थी। एनडीए में नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 54,000 करोड़ रुपया दिया है। मगर मैं आज एक बार पूछ कर जाता हूं, ये 54,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लाभार्थियों के पास पहुंचता है या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचता है, इसकी जरा जांच कर लेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके समय में 5400 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था, हमारे समय में 17,000 करोड़ दिया। आवास योजना आप जब केंद्र में सत्ता में थे 4500 करोड़ दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने 4500 करोड़ के सामने 50,000 करोड़ देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आवास आजीविका मिशन आपने सिर्फ 630 करोड़ दिया था, हमने 91,000 करोड़ और आजीविका मिशन में 45 करोड़ देने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मैं ये आसपास के सभी नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी इसका और आगे अभी विकास करेगी पेट्रोपोल का, और इस पूरे क्षेत्र के विकास का एक ऊर्जावान स्थान बनकर रहेगी। और मैं ये बड़े इनिशिएटिव के दिन आप सभी को आने वाली दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी जरूर देना चाहूंगा। भाइयों बहनों, पूरा बंगाल सुजलाम सुफलाम बने, हमारा बंगाल सोनार बांग्ला बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ছয় কেন্দ্র উপনির্বাচনের আগে বঙ্গোপসাগরে এসে অমিত শাহ 26শে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিলেন। একেবারে বনগাঁ পেট্রাপোল সীমান্তে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তাতে কিন্তু বলছেন যে বাংলায় পরিবর্তন হলেই অনুপ্রবেশের সমস্যা মিটবে, অনুপ্রবেশ বন্ধ হলে বাংলায় শান্তি ফিরবে, উন্নয়নই মোদী সরকারের একমাত্র লক্ষ্য, বাংলার উন্নয়নে বদ্ধপরিকর মোদি, বাংলার জন্য টাকা পাঠান মোদি কিন্তু সেই টাকায় দুর্নীতি হয়, আজ অভিযোগ জানালেন অমিত শাহ। ইউপিএ আমলে থেকে ইন্ডিয়া আমলে বাংলাকে বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে, কেন্দ্র প্রকল্পের টাকা মানুষের কাছে পৌঁছায় না কারণ সেটা তৃণমূল নেতাদের পকেটে যায়,